أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو मैं हूँ मोहसिन रफा और आप लोग देख रहे हैं वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो CF502 फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिदम्स की हमारी जो असाइनमेंट आई हुई है उस हवाले से है। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले अपनी इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं। दोस्तों इस असाइनमेंट के अंदर हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं जिसमें हमें कहा गया है सॉर्ट द फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग मर्ज सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, कि हमने मर्ज सॉर्ट को जो है इस्तेमाल करते हुए हमें जो लिस्ट दी गई है उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर यानी कि तरतीब के साथ, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं कि बल्कि पहले 10 फिर 9 फिर 6 फिर 3 ये नहीं, बल्कि हमने असेंडिंग ऑर्डर यानी कि तरतीब के साथ जो है अपनी इस लिस्ट को मर्ज सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करना है। इसमें हमारे पास KNLDFDQR हमें ये एक लिस्ट दी गई है जो कि 8 डिजिट के ऊपर यानी 8 अल्फाबेट डिजिट हमारे पास है। दोस्तों इसमें हमें कहा गया है इट इज रिक्वायर्ड टू ड्रा 3 स्ट्रक्चर फॉर द मर्ज सॉर्ट प्रोसीजर फॉर बोथ डिवाइड एंड कंबाइन फेज सेपरेटली। हमने जो है 3 मर्ज सॉर्ट जो है और जो हमारे प्रोसीजर हैं उनकी 3 स्ट्रक्चर हमने बनाने हैं फॉर बोथ डिवाइड एंड कंबाइन फेज सेपरेटली। हमने जो है डिवाइड का और कंबाइन का जो फेज है ये अलग अलग दिखाना है। ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमने जो है वो मर्ज एंड सॉर्ट जो हमारी टेक्निक है उसको हमने सीखना है। इसके 3 हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नजर आ रहे हैं। इसमें पहला डिवाइड है। डिवाइड के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि स्प्लिट डाउन द मिडल इनटू 2, कि हमारे पास जो एरे या लिस्ट होती है हम उसको दरमियान से स्प्लिट करके तोड़ के 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है अगली जो चीज है वो है कंकर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने जो ब्रेक डाउन किया है या जिसको हमने स्प्लिट किया है इसको जो है हम सॉर्ट करते हैं। इसमें हम सॉर्ट कैसे करते हैं, हम जो एल्गोरिदम मर्ज सॉर्ट वाला है उसको यूज करते हुए उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। इसके बाद है आखिरी हमारे पास जो चीज वो कंबाइन है। कंबाइन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मर्ज द 2 सॉर्टेड सब सीक्वेंस इन अ सिंगल सॉर्टेड लिस्ट, कि हमारे पास जो 2 हमने जो तकसीम किया था डिवाइड के अंदर हर एरे को या लिस्ट को उनको जो है हम वापस जो है इकट्ठा जोड़ते हैं या मर्ज करते हैं और फिर उससे हमारे पास एक सॉर्टेड लिस्ट आ जाती है। तो दोस्तों ये हम करेंगे कैसे, इसका जो है हमारे पास 3 डायग्राम्स बनेंगी। यहाँ पे मैं आपको 2 डायग्राम्स दिखा रहा हूँ, तीसरी जो है वो आप खुद से बना लीजिएगा। पहले हमारे पास देखें कि एक एरे दी गई है, ये एरे या लिस्ट आपको नजर आ रही है जिसके अंदर KNLDFDQR हमें जो है नजर आ रहे हैं, 8 हमारे पास अल्फाबेट्स हैं। अब हमने देखें सबसे पहले जो है हमने डिवाइड करना है, मतलब पहला जो स्ट्रक्चर है वो अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये 8 की एक लिस्ट है, इसको हमने डिवाइड किया 2 हिस्सों में यानी कि स्प्लिटिंग करनी है। तो ये देखें हमने एक 4 अल्फाबेट का एक सेट बना लिया और दूसरा फिर 4 अल्फाबेट का दूसरा सेट बना लिया जिसमें देखें KNLD और दूसरी साइड पे हमारे पास FDQR आ गया। अब देखें हम फर्दर इसको मजीद स्प्लिट आउट करेंगे क्योंकि अभी ये ग्रुप्स की शक्ल में है, तो हम ये देखें कि ये जो पहली साइड है इसको मजीद KN का हमने एक अलग सेट बना दिया, LD का एक अलग सेट बना दिया यानी कि इनको स्प्लिट कर दिया। अब ये हमारे पास 2-2 अल्फाबेट के सेट बन गए। और दूसरी साइड पे देखें राइट साइड पे हमारे पास FD का एक सेट बन गया और QR का एक सेट बन गया, तो ये फिर आगे स्प्लिट हो गए। अब इससे आगे भी स्प्लिट हो सकते हैं क्योंकि ये 2-2 अल्फाबेट हैं। तो ये देखें K को मैंने अलग सेपरेट कर दिया है, N को अलग सेपरेट कर दिया है, L को अलग सेपरेट कर दिया है, D को अलग सेपरेट कर दिया है, F को अलग सेपरेट कर दिया है, फिर D को अलग सेपरेट है, Q अलग सेपरेट है और R अलग सेपरेट है। तो ये अभी हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है डिवाइड का जिसके अंदर हम स्प्लिटिंग करते हैं वो हमने कर लिया। दोस्तों
इसके बाद हम लोगों ने दूसरा जो हमारा है कंकर वाला, ये और कंबाइन, ये हम दोनों ने जो है वो इकट्ठी एक ही डायग्राम के जरिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आपने इसकी भी अलग अलग डायग्राम बनानी है। मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे आपने पहले एक डायग्राम बनानी है और फिर दूसरी बनानी है। अब जब हम स्प्लिटिंग कर रहे थे तो हम टॉप टू बॉटम आ रहे थे, जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो हम जो है वो बॉटम टू टॉप की तरफ जाएंगे। तो अब देखिए हमारे पास सबसे पहले जो है ये देखें कंबाइन किया, हम जो है वो बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास देखें ये के एन डी एल डी एफ क्यू आर, लेकिन ये वाले जो लेफ्ट साइड पे आपको डायग्राम नजर आए इसमें जो पहला ग्रुप है वो के एन, देखें वो तो वैसे ही आ गया, ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही है, लेकिन एल और डी जो है ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर नहीं था। तो मैंने सबसे पहले जो है इनको असेंडिंग ऑर्डर में किया, यानी कि डी सबसे पहले आता है और एल जो है वो उसके बाद आता है। तो पहले मैंने डी को लिखा और फिर एल को लिखा। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे भी इसी तरह इधर देखें एफ और डी है, तो डी हमारा पहले आता है तो मैंने पहले लिख दिया है, एफ जो है वो बाद में आता है तो बाद में लिख दिया है। इसी तरह आगे जो है वो क्यू और आर आ गया। आगे हमने इनको जो अलग अलग दिए इनको कंबाइन करना है, तो यहां पे देखें के एन डी एल डी एफ क्यू आर आ गया हमारे पास। ये अब हमारे दो दो अल्फाबेट के ग्रुप बन गए। आगे हमने फिर इनको कंबाइन करना है, फिर इनको कंबाइन करेंगे तो यहां पे देखें डी के एल एन। अब यहां पे देखें हमारे पास के एन का एक ग्रुप था और एक डी एल का एक ग्रुप था, तो अब देखें हमारे पास जो सबसे पहले है वो डी आता है। तो यहां पे देखें ग्रुपिंग करते हुए मैंने पहले जो है इसको मर्ज सॉर्ट के थ्रू, कंकर के थ्रू जो है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट किया है। तो डी पहले आ गया, उसके बाद के आ गया, उसके बाद एल आ गया और उसके बाद एन आ गया। इसी तरह हम नीचे जब जाते हैं तो डी जो है वो सबसे पहले आ गया, उसके बाद हमारे पास क्यू आता है, उसके बाद जो है वो आर आता है, फिर हमारे पास एफ आता है। तो यहां पर भी जो है वो मैंने आपको कंकर करके दिखा दिया। अब यहां पे मैंने इकट्ठा दिखा दिया, आप पहले जो है इनको अलग जो है वो पहले कंकर दिखाएंगे एक डायग्राम के अंदर और दूसरी के अंदर फिर आप कंबाइन करेंगे। तो यहां पे देखिए मैंने कंकर दिखा दिया। अब इनको आगे मजीद हमने जो है दोबारा जो है वो कंकर करके और कंबाइन करना है। तो ये देखें अब सबसे पहले जो है वो डी आता है, इधर से भी डी लिया, इधर से भी डी लिया, तो डी डी लिख दिया, फिर के आता है, फिर एल आता है, फिर एन आता है, फिर क्यू आता है, फिर आर एफ आता है और फिर आखिर के अंदर एफ आता है। तो हमारी जो देखें हमें लिस्ट दी गई थी अल्फाबेट की, वो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ गई। यही जो है हमारा पहला क्वेश्चन था। इसमें आपने तीन डायग्राम्स बनानी है, दो मैंने आपको बना के दिखा दिए, कंकर वाली जो है वो आप खुद ड्रा करेंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो वन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर टू। अब क्वेश्चन नंबर टू के अंदर क्या है, फॉर द गिवन एरे, हमें एक एरे दी गई है, ड्रा द फाइनल मैक्स हीप स्ट्रक्चर, हमने मैक्स हीप स्ट्रक्चर जो है बनाना है, शो फाइनल सिंगल ट्री, हमने जो है एक फाइनल सिंगल ट्री दिखाना है, स्टेप आर नॉट रिक्वायर्ड, स्टेप्स जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। हमारे पास एरे क्या है, 43, 12, 23, 2, 55, 11, 7, 33, 60 और 32 है। अब इससे हमने जो है वो मैक्स हीप बनाना है। दोस्तों इसके सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्स हीप क्या होता है और मिन हीप क्या होता है। अगर हमारे ट्री के अंदर स्मॉलेस्ट इन द रूट इज मिन हीप, अगर हमारा जो रूट है वो स्मॉल है तो वो हमारी मिन हीप बनेगी, एंड लार्जेस्ट इन रूट इज मैक्स हीप, तो अगर हमारे रूट के ऊपर लार्जेस्ट नंबर है तो वो हमारी मैक्स हीप बनेगी। तो हमने अपने क्वेश्चन के अंदर भी मैक्स हीप बनानी है। ये हम बनाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मेरा एक और YouTube चैनल है जिसका नाम की टू सक्सेस है, जिसके ऊपर मैं आपके एग्जाम की तैयारी के हवाले से वीडियोस अपलोड करता हूं। आप की टू सक्सेस को भी विजिट करें और 24/7 टीचर ऑनलाइन को भी विजिट करें, जहां पे मेरे लेक्चर अवेलेबल है रिकॉर्डेड। दोस्तों इन दोनों चैनल के URL हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने आपको दिखाए थे। तो दोनों चैनल्स को विजिट करें और वहां पे जो कंटेंट अवेलेबल है उसे फायदा उठाएं। तो अब यहां पे देखें हमने मैक्स हीप बनाना है, तो हम सबसे पहले जो मैक्सिमम नंबर है वो लेंगे। मैक्सिमम नंबर हमारे पास 60 आ गया। अब इसके नीचे देखें हमारे पास 55 आ गया और 23 आ गया। अब ये देखें कि ऊपर जो रूट है वो बड़ा है और नीचे जो चाइल्ड है, चाइल्ड नोड है, ये हमारे पास छोटे हैं, तो ये मैक्स हीप बन गया। इसी तरह अगर ऊपर 23 होता, नीचे हमारे पास 55 और 60 होता तो वो हमारी मिन हीप बन जाती। इसी तरह हम आगे जाएंगे तो आगे देखें 55 के नीचे 43 और 32 आ गया।
तो 55 जो है वो बड़ा है, 43 भी छोटा है और 32 भी छोटा है, तो ये हमारी मैक्स हीप की कंडीशन है। इसी तरह 23 के नीचे जो है वो 11 आ गया, तो 23 जो है वो बड़ा है, 11 छोटा है, तो ये भी हमारी मैक्स हीप हो गई। इसी तरह 23 के नीचे 7 आ गया, तो 7 जो है वो हमारे पास छोटा है, 23 बड़ा है, तो ये भी मैक्स हीप है। इसी तरह 43 के नीचे देखें 2 आ गया और 33 आ गया, तो 43 जो है ये हमारे पास बड़ा है, 2 भी छोटा है, 33 भी छोटा है, तो ये हमारे पास मैक्स हीप है। और इसी तरह 32 के नीचे जो है वो 12 आ गया और 12 जो है वो 32 से छोटा है, तो ये देखें हमारे पास एक मैक्स ट्री की, मैक्स हीप की जो है वो ट्री बन गई है। और इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए होती हैं, अगर आपको इसमें कहीं पर कोई गलती नजर आए तो आप लोग उसे वहीं पे ठीक कर लिया करें। दोस्तों आखिर में मैं फिर यही कहूंगा, www.youtube.com/teachersonlineforyou पे जरूर जाएं और वहां पे जो मेरे लेक्चर अवेलेबल हैं अपने रिकॉर्डेड आपके मुश्किल सब्जेक्ट से, उनसे जरूर फायदा उठाएं। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सोल्यूशन की वीडियो के साथ या GDB की सोल्यूशन की वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।